hi everyone welcome to my channel today i'm excited to share the journey of recreating a stunning dress worth 45000 for just 8000 this video is step by step creation so be sure to watch till the end for other channel to subscribe nahi kia so please make sure to subscribe to my channel now assalamualaikum alaikum everyone welcome back to my channel welcome back to another video i hope you have a fine मजे में हो और अपने आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी सप्रेड कर रही हो तो आज इस वीडियो में आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि हमेशा की तरह मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस को विद इन बजट लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने मुझे मेरी लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार दिखाया यू गाई शोर्ड लॉर्ड ऑफ लव एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल बट स्टिल अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं दे आर वॉचिंग माई वीडियो लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर वीडियो देख रहे होते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो सो लेट्स जस्ट डाइव इन टू दिस वीडियो बट बिफोर दैट मैं आपको बताती हूँ कि आज इस वीडियो में हम रीक्रिएट क्या करने वाले हैं सो दिस स्ट्रेस दैट आई एम गोइंग टू रिक्रिएट इन दिस वीडियो इज फ्रॉम आई वे ब्रांड जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो फोर्टी फाइव थाउजेंड है यहाँ पर आप नेक्स्ट क्लिप में देखोगे ठीक है इसका जो फैब्रिक है वो वेलवेट है और जो इस पर काम है वो कटवर्क है अब यू मस्ट नो कि जो वेलवेट पर कटवर्क होता है दैट इज कम्पेरेटिवली एक्सपेंसिव और गेंजा के कपड़े पर कटवर्क करना इट्स क्वाइट ईजी तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके साथ ऐसी मार्केट शेयर करूं जहां से आप बहुत ही कम बजट में इस एक्सपेंसिव ड्रेस को बहुत ही कम बजट में तैयार करवा सकें, ठीक है? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेट्स जस्ट डाइव इनटू सो हियर इज द वीडियो ऑफ द ड्रेस दैट आई एम गोइंग टू रिक्रीएट टुडे आप अपनी स्क्रीन पर इसकी ओरिजिनल प्राइस देख सकते हैं 45000 जस्ट इसकी कमीज की प्राइस है जबकि हमारा टारगेट है कि इसको 7000 या अंडर 7000 तैयार करवाना है अब लेट्स के बजट में क्या फ्लक्चुएशन आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी यहां पर आप देख सकते हो कि इसके दामन पर कितना खूबसूरत कटवर्क है और इस कमीज का दामन यूजुअली जो कमीज का दामन होता है उससे ज्यादा है कंप्लीटली एक जाल बना हुआ है और इसी तरह ही इसके जो बाजू हैं वो बेल्ट स्लीव्स हैं और जैसा इसके दामन पर कटवर्क है सेम टू सेम वही इसके बाजुओं पर भी है बहुत ही बारीकी और नफासत से ये कटवर्क किया गया है जबकि इसका जो नेक स्टाइल है वो सिंपल बैंड नेक स्टाइल है जिसके आगे एक छोटा सा स्लिट है अब बारी है इस कमीज का कपड़ा खरीदने की इस कमीज को तैयार करवाने के लिए मैंने सिल्क वेलवेट खरीदा है जो कि मैंने आजम मार्केट से फिफ्टीन हंड्रेड का लिया था वेलवेट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें माइक्रो 5000 थाउजेंड वेलवेट इसके अलावा स्पंज वेलवेट होता है आपने मेक श्योर sure करना है कि आपने सिल्क वेलवेट परचेज करना है जितने भी ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं उनमें जो वेलवेट यूज किया गया होता है वो सिल्क वेलवेट होता है इस कपड़े में चमक बहुत ज्यादा होती है और जितना आप इसको प्रेस करोगे ये चमक उतनी ही ज्यादा और बढ़ती चली जाएगी तो यहाँ पर मैं दूसरी कमीज के दामन की मेजरमेंट्स ले रही थी क्योंकि मैंने इसका दामन थोड़ा सा ज्यादा रखवाना है तेईस दामन रखवाया मैंने इसका और फिर मैं नीलम सिनेमा बाज़ार चली आई वैसे तो मैंने कटवर्क करवाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स विजिट की थी लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे रीजनेबल बाजार लगा वो नीलम सिनेमा बाजार लाहौर ही लगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड मैंने पे किया है अब लेट्स ये कैसा तैयार होता है इसके अलावा आप स्क्रीन भी ले सकते हो नेक्स्ट वीक में ही उन्होंने मुझे ये ट्रेस कर कर इस तरह व्हाट्सएप पर पिक्चर भेज दी थी जिसकी मुझे इतनी ख़ास समझ नहीं आई लेकिन उसके नेक्स्ट वीक बाद जब ये काम मुझे तैयार होकर मिला सो आई वाज वेरी हैप्पी कि जैसा मैंने इनको पिक्चर में दिखाया था इन्होंने सेम टू सेम वैसा ही काम कॉपी किया है अब इस वेलवेट का जो कलर था वो मैरून कलर था लेकिन मैंने धागे का कलर इससे एक शेड नीचे रखवाया था ताकि ये काम उस पर प्रोमिनेंट हो सेम कलर का जब आप काम करवाओगे तो वो उसमें मर्ज हो जाएगा वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा तो आपने ये वैसे आपकी अपनी चॉइस है ये मेरी अपनी प्रेफरेंस थी कि मैंने एक कलर लाइट रखवाया था इससे तो इस तरह का काम मैंने क्योंकि डिफरेंट मार्केट्स विजिट की थी मैंने लिबर्टी दुपट्टा गली से भी इस तरह के कटवर्क का पता किया था तो बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था ये काम तो मैं यहाँ पर इनका नंबर शेयर कर दूंगी आपने इनको कॉन्टेक्ट करना है और इस बाजार जरूर विजिट करना है अब बारी है इसकी स्टिचिंग करवाने की तो यहाँ मैंने इसको टेलर को प्रोवाइड कर दिया और विद इन वन वीक ये मुझे तैयार होकर मिल गया

रिकॉर्ड करने से पहले ही मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था आई जस्ट लव दिस पिज़्ज़ा अगर आप लाहौर रहते हैं और आपने स्वीट अफेयर से इनका थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा कभी ट्राई किया है सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आपको इनका थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा कैसा लगता है और वो सब्सक्राइबर जो अभी तक लाहौर नहीं आए और उनका कभी आना हो तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा अब मैं आपके साथ इस ड्रेस की स्टिचिंग एंड साइज की डिटेल्स शेयर कर देती हूँ मैंने इस कमीज की लेंथ 45 इंच रखवाई थी बाजू इसके मैंने पंद्रह इंच खुले रखवाए थे दामन इसका ट्वेंटी थ्री रखवाया था अगर आपको इससे ज़्यादा चौड़ा दामन चाहिए तो उस पर काम भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा और चार्जेस भी इनक्रीज़ हो जाएंगे अब चलते हैं इसकी कॉस्ट की तरफ इस कमीज़ का फैब्रिक मैंने आज़म मार्केट से फिफ्टीन हंड्रेड में ख़रीदा था जबकि इस पर जो काम करवाया था कटवर का वो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड में करवाया था इस शर्ट की स्टिचिंग सेवन हंड्रेड में हो गई थी और कंप्लीट ड्रेस तैयार हो गया था एट थाउजेंड से हंड्रेड में जबकि इसका दुपट्टा एंड ट्राउजर सेम मेरे पास दूसरे ड्रेस का घर में ऑलरेडी मौजूद था तो मैंने इसके साथ वही कैरी कर लिया था सी वी सेव थर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड ऑन दिस ड्रेस रीजनेबल मार्केट शेयर करना मेरा काम है और विजिट करना आपका आई होप कि आपको ये ड्रेस अच्छा लगा हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना अल्लाह हाफिज़